देखो आज माइकल का गेम खत्म करना है, पर उससे पहले हमें लेस्टर उसका जो मास्टरमाइंड है उसे खत्म करना है, ठीक है? तो ठीक है डगन सर, उससे पहले हमें उसे लोकेशन बता दो और क्या करना है, उसे मारना है या जिंदा छोड़ना है या तुम्हारे पास किडनैप करके लाना है, आप मुझे बता दो, वो सारा काम मैं कर दूंगा। उसे तो मारना ही है, लेस्टर, लेस्टर को मारना ही पड़ेगा, वो जिंदा रहेगा ना बहुत बड़ा अवसर, उसे जहां मिले वहां पे उसे सर पे गोली मारना एंड मुझे बताना, फिर हम देखते हैं माइकल का गेम बचाएंगे। तो ओके, हमारे सारा प्लान और हमारे गैंग मेंबर्स भी रेडी है बिल्कुल लेस्टर को तबाह करने के, तो अभी हम लोग निकल भी हैं, सब कुछ हम खुद देखते हैं। मुझे बस अभी लेस्टर मरा हुआ चाहिए या तुम, अगर वो जिंदा रहता है और तुम भी जिंदा रहते हो तो तुम मेरे हाथों से मरोगे, तो ये बात ध्यान में रखो कैप्टन, जिंदा नहीं रहना चाहिए लेस्टर या तुम मरोगे। इन दोनों को चूर करके रखा है, इन दोनों का गेम बचा दो जल्दी से, किस देर के लिए रुको। Hey guys, दोबारा से खेलने जा रहे हैं हम लोग GTA 5 guys। तो अगर लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लो भाई, लास्ट एपिसोड में हम लोग ने यार गाइस एक बढ़िया वाली ना एक सिक्योरिटी खरीदी थी जो लेस्टर ने हमें दिलाई थी, यहाँ पर देख सकते हो भाई, खतरनाक खतरनाक वाले ना गाइस, बढ़िया बढ़िया सिक्योरिटी मिली है। एंड ये मेरा मैनेजर है, एंड ये मैनेजर मुझे बोला है कि यार यहाँ पर ना दो लोग को हमने पकड़ लिया है, क्योंकि ये लोग कुछ ना यहाँ पर घुसपोटियाँ कर रहे थे, मतलब पता नहीं मेरे घर के आसपास ना घूम रहे थे, एंड इन्हें पकड़ लिया है मेरे सिक्योरिटी ने। एंड भाई ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनको हम मुँह खुलवाएंगे, इन्होंने ना मास्क पहना है यार, इनका ना कुछ करना पड़ेगा, लगता है इनको कोई टॉर्चर कर गया ना, इनका मुँह खोलना पड़ेगा, ये किस लिए आए थे एंड भाई क्यों भाई, क्योंकि यार भाई माइकल ने, माइकल के पास इतनी गाइस वो हो गया ना, इतने लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, आपको पता है डगन बॉस ने भाई खतरनाक वाला वो कर दिया। एंड यहाँ पर क्या ही बोले, एक सेकंड, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है मुझे, यहाँ पर गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ओ भाई ये क्या हो गया यार, यहाँ पर गाड़ी कैसे आ गए, ओ भाई यहाँ पर फायरिंग हो रही है, अरे भाई यहाँ पर माइकल भाई मेरे घर पर अटैक कर दिया भाई, जल्दी से बचाओ भाई, बचाओ मतलब मेरे सिक्योरिटी यार, बचाना तो पड़ेगा यार, इन लोग को पैसे पकड़ दिए क्या भाई, चलो यार लग नहीं रहा भाई कहाँ से फायर हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई, भाई 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 कहाँ से, ऑल राइट गाइस यहाँ पे हमको भाई बंदे आ चुके हैं भाई, देख रहे हो कार वाले तो मार दिए हमारे सिक्योरिटी ने, एंड भाई इधर से भी आ चुके हैं, ओके भाई सबको मार दिए मेरे सिक्योरिटी भाई, क्योंकि ये बहुत महंगी वाली सिक्योरिटी है। एंड भाई पीछे से भी आए थे भाई, ये देख रहे हो, इसलिए भाई हमारे ना सारे के सारे लोग इधर उधर फाइट कर रहे थे, मतलब फायर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे तो। और भाई ये रही गाड़ी के अंदर भी कोई यार, उसे तो मार भाई, लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा, ओ भाई ये ले भाई, भाई मर ही नहीं रहा भाई, क्या है भाई, अरे भाई मेरे को उड़ा रहा है भाई, मारो इसको, ओ भाई, अरे भाई 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 मर जा, अरे भाई चलो यार मेरे गाइस यहाँ पे मैनेजर ने भाई रॉकेट फोड़ दिया उसमें, एंड भाई लगता है भाई वो ख़त्म है भाई, क्योंकि आपको पता है मेरा मैनेजर जो है ना भाई खतरनाक वाला, ओ भाई ये जिंदा कैसे, दूसरा है क्या, अच्छा भाई ये कौन है भाई। एंड यहाँ पर ना भाई मेरी सिक्योरिटी ने सबको मार दिया गाइस, भाई ख़त्म है भाई, बिल्कुल ही सब ख़त्म है। अभी हम लोग को गाइस जाना था भाई, आप लोग को पता है यार मुझे नए गाइस सिक्योरिटी के लिए नए कार्स लेने जाने थे भाई, मतलब हमारे पास ना भाई कार नहीं है, मतलब हमको जाना है तो भाई सिर्फ तीन ही सिक्योरिटी को ले जा सकते हैं, अभी हमारे इतने सारे सिक्योरिटी हो गए तो भाई सबके लिए एक कार होनी चाहिए कि नहीं यार, बढ़िया वाली, तो इसको मैं थोड़ा मार दूँ भाई। एंड भाई ये कौन है पता नहीं यार इनको, भाई मुझे लग रहा है डगन बॉस के इंसान है। तो यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना ही लाइक करते हो, दिल से बुरा लगता है भाई यार, सब वीडियो देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, फटाफट लाइक कर देना यार गाइस, क्योंकि दिल से अच्छा लगता है भाई। तो यार अभी हम लोग मैनेजर से बात करते हैं, उसके साथ ना भाई एक बढ़िया सी कार, मतलब बढ़िया नहीं एक नहीं भाई पाँच छः कार लेंगे भाई, क्योंकि भाई अभी माइकल के पास बहुत पैसा है भाई, हमने थोड़ी वाली वीडियो देखी तो भाई हमने बढ़िया वाली हाइस की थी, बढ़िया वाला ना भाई हाथ में पैसा आया था भाई, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं एंड शॉप पे भाई, बढ़िया वाली शॉप पे भाई, एंड देखते हैं भाई कौन से ना भाई खतरनाक वाले भाई सुपर कार्स नहीं, एक बढ़िया वाले फायर जो होते हैं ना भाई, फायर वाले कार्स खरीदेंगे भाई, मतलब बिल्कुल भाई आग लगनी चाहिए भाई पूरे लॉस सेंटर्स में भाई, सबको पता चलना चाहिए भाई माइकल के पास ना भाई खतरनाक वाली सिक्योरिटी है, एंड भाई कोई पंगा ना ले भाई डगन बॉस, तो भाई अब तेरे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, तुझे पता यार तू ज़्यादा ही कर रहा है, अब डगन बॉस से पंगा ले लेना है, मतलब अब तो उसका भाई चैप्टर ही क्लोज करना है। एंड भाई बहुत सारे माफिया से भाई लॉस सेंटर्स भी भाई, अभी सबको निकालना है भाई सबको, अभी माइकल दी सबसे बड़ा माफिया बनेगा अभी यहाँ पर लॉस सेंटर्स। यार चलो फटाफट से हम लोग यार लोकेशन पे चले जाते हैं यार, भाई कहाँ पे कौन सी लोकेशन दी है यार,
मेरे मैनेजर ने बोला है ना भाई यहाँ पर ही गए होना चाहिए भाई, चलो यार होना नहीं चाहिए इधर ही होए कहीं, यहाँ पे तो रास्ते बन रहे। तो ऑल राइट गाइज यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ एंड मेरे मैनेजर जो है ना भाई वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ, वरना पैसे वो बढ़ा लेंगे, तो उसको मैंने उधर ही ड्रॉप कर दिया था। चलो मैं अकेला जाता हूँ एंड डील कर लेता हूँ। भाई ये सिक्योरिटी क्या खड़ी है? और भाई भाई ये तो मेरे चेकिंग कर रहा है भाई। अरे भाई मैं कुछ नहीं लाया भाई, मैं अकेला कैसे आऊँ, तुम इतने ज़्यादा लोग हो यार। चलो यार कोई ना भाई, कर ले भाई, गरीब लोग हैं भाई हम, कर ले हमारी चेकिंग, कर ले इंसान जल्दी से कर भाई। ऑल राइट भाई यहाँ पर ना हमारी भाई सिक्योरिटी चेक कर ली यार, मतलब भाई सिक्योरिटी चेक कर रहे यार। ओके भाई कोई ना यार, भाई ख़रीदने के लिए आया तो मेरे दुकान पे भाई। भाई ये देख रहे हो कितना बढ़िया वाला शोरूम है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ना भाई ऐसे ही खतरनाक वाले कार खरीदेंगे। बट चलो इसका ओनर कौन है भाई, यहाँ पर कोई है क्या भाई? यहाँ पे चार लोग में से लगता है ये दो ही एक लग रहे हैं मेरे को, एक ओनर लग रहा है। चलो सूट बीट पहना है इसको, मैं इनको मैं बातचीत करता हूँ एंड बोलता हूँ कि हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए गाड़ी दिखाओ, एंड फिर वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं। तो ऑल राइट गाइस इनके पास ना भाई सब कुछ अवेलेबल है, ये बोल रहे कि ना भाई आपको जैसी कार चाहिए वैसे मिल जाएगी, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो वो भी मिल जाएगी भाई, मतलब भाई गजब है भाई। चलो यार ये हमको बोल रहा है अभी स्टार्टिंग से शुरू करो, यहाँ पे सारे ना वार वाले व्हीकल्स हैं, मतलब जो भी फाइट के दौरान यूज़ होते हैं ना वो वाले कार्स हैं। मतलब चलो भाई ये भी सारे आर्मी वाले ही लग रहे हैं मेरे को भाई, मेरे को लग रहा है ये लेनी चाहिए भाई। भाई ये भी बढ़िया लग रही है गाइस, बताओ यार भाई इसमें ना भाई बढ़िया बढ़िया वाले गाइस मशीन गन लगे, जिससे आप ना भाई चलती गाड़ी पे भी फायर कर सकते हो। यार ये मुझे इतना खास नहीं लगा यार, ये तो भाई इसका ना कुछ सीन ही नहीं, इसमें तो हम फायर ही नहीं कर सकते, ये तो भाई ये पूरा आर्मी वाला टाइप का है, मतलब इसमें हमको थोड़ी ना भाई जंग झंडी जानी है। बट चलो कोई ना, इसको भी हम लेंगे बात नहीं, अभी इतना पैसा भी होना चाहिए। और भाई ये भी मेरे को बढ़िया लग रही है, बट इसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं, दो या चलो पीछे भी बैठने की जगह है। ओके बट यार मुझे नहीं लगता ये गाड़ी बढ़िया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये भी यार ये भी मेरे को गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ चढ़ के। ओ भाई इसमें आई थिंक तीन लोग ही बैठ सकते हैं, ओ भाई बढ़िया है यार ऐसे। बट चलो कोई ना, हम लोग पहले सब कुछ चेक कर लेंगे फिर आपको बताते हैं हमने कौन सी गाड़ी ली है। मेरे को तो बढ़िया लगी भाई ये वाली गाड़ी, एंड ये वाली गाड़ी तो बहुत बार देखी है भाई, ये वाली गाड़ी तो FBI वाली है भाई, पूरी FBI वाली डिज़ाइन की है उन्होंने भाई। इसमें ना भाई साहब बहुत ज़्यादा ही लोग बैठते हैं इसमें भाई, टोटल 2, 4, 5, 6, 7, 8 लोग ये गाड़ी पे ना भाई, तुम लोग साइड में भी खड़े हो सकते हो, तो ये गाड़ी बहुत स्पेशल है भाई एंड ख़तरनाक वाला टर्न मारती भाई, इसमें बहुत जगह आती है, इसमें ऑलमोस्ट 10 या 12 लोग बैठ ही जाते हैं। चलो यार ये भाई बढ़िया गाड़ी, मैंने सब कुछ इंटीरियर चेक कर लिया कार का अंदर का, तो अभी ना भाई मैं दूसरी गाड़ी चेक करता हूँ। मैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए मैं सबको एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट मतलब भाई ऐसे नहीं कि यार, मतलब वो लोग ना भाई उनके पास गाड़ी नहीं है, मतलब भी हमारे उनको उनको बुलाना होता तो वो लोग भाई पता नहीं यार टैक्सी विक्सी करके आ रहे थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बोला भाई टैक्सी करके आ रहे हो एंड भाई माइकल की सिक्योरिटी होकर, तो वो बोले कि यार हमारे पास पैसा नहीं इसलिए तो हम लोग तुम्हारा सिक्योरिटी वाला भाई कार्ड कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है मैं बोला ओके यार तुम्हें प्रोवाइड करते हैं भाई। ये भी बढ़िया लग रही है, इसमें तो लगता है ना भाई एक ही कार में सब आ जाएंगे भाई, मेरा पैसा भी बच जाएगा। नहीं यार गाइस थोड़े हम लोग कंजूसी करेंगे ना भाई, तो भाई सिक्योरिटी भाई ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हो भाई। चलो कोई ना यार सबको कह भाई ये बढ़िया लग रही है भाई, ये ना भाई बढ़िया है भाई, ये मजबूत भी लग रही है एंड बड़ी भी लग रही है, एंड भाई लग रही है कि भाई सिक्योरिटी आ रही है भाई, रेंजर टाइप की गाड़ी है। ओके भाई इसको तो मैं ज़रूर लूँगा भाई, इसको तो पक्का भाई। ओ भाई अंदर से मैं बैठा हूँ भाई, भाई क्या ही फीलिंग आ रही भाई, ख़तरनाक वाली यार। चलो भाई बहुत सही यार, लगता है ये गाड़ी चूज़ करनी पड़ेगी। आप लोग बताना यार कौन सी कार बढ़िया है भाई, चैट पे बताओ यार, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना भाई एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग मेरे को एक बताओ कि यार कौन सी कार ऐड करूँ यार हमारी सिक्योरिटी के लिए। आप मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हो यार, मैं आगे क्या क्या ऐड करूँ एंड क्या नहीं करना है, मैं हमारे सिक्योरिटी को क्या देना है क्या नहीं देना है, एंड मैं कौन सी सिक्योरिटी लाऊं और क्या नहीं लाऊं, तो यार मेरे को बताओ चैट पे यार कौन सी सिक्योरिटी एंड कौन सी कार बढ़िया होगी। तो यार गाइस ये तो बढ़िया लग रही, ये तो यार कुछ खास नहीं है बट भाई मजबूत कार है भाई ये ना भाई, ठीक है चलो यार ये पुरानी टाइप की टाइप है, मतलब बहुत ही ओल्ड है भाई, सस्ती है यार ये तो भाई, हमको मिल रही है टोटल गाइस
ये बोल रहे हैं कि $300 में मिल जाएंगे आपको। चलो ठीक है, ये $300 की है। एंड भाई ये जो है ना भाई, ये भाई पानी वाली कार है, ओके। इसका प्राइस ये बता रहे भाई $400 की है भाई। बहुत सस्ती मिल रही है यार, ये तो बहुत सस्ती है भाई। ये तो यार क्या है भाई, इसमें कुछ है कि ये वाली का प्राइस भाई बढ़िया है। एंड इस वाली, ये भाई ये तो भाई बहुत ख़तरनाक है भाई। इसका प्राइस भाई टोटल भाई ये लोग बोल रहे हैं $2,00,000 की है भाई। भाई कुछ ज़्यादा ही बोल दिया यार। चलो यार कोई बात नहीं भाई, अभी देखेंगे यार। अभी ये प्राइस मेरे को भाई, ये तो गाड़ी बढ़िया है बट इसमें तो ये लोग भाई मेरे को नहीं लगता है ठीक से बैठ पाएंगे, क्योंकि भाई मेरे को आर्मी वाली गाड़ी चाहिए, मतलब समझ रहे हो, पेट्रोलिंग मतलब मेरे को सिक्योरिटी करनी चाहिए। इसमें तो आराम से बैठ जाएंगे, इनको नींद ही आ जाएगी। तो यार अभी और भी गाड़ी है। ओ भाई ये टैंक, ओ भाई ये टैंक लेके मैं क्या करूँगा भाई, लोग बताओ यार एक बार आप लोग। ये भाई टोटल $1,000,000 का है भाई। भाई इतने तो भाई अपने पास, उतने तो अपना टोटल बजट ही $1,000,000 का। अगर एक ही खरीद दूंगा तो यार फिर तो भाई रोड पे आ जाऊंगा। एंड सिक्योरिटी चार्जेस भी इतने हैं ना अपने भाई, लगता है फिर तो भाई एक महीने में ही अपना सिक्योरिटी भाई खाली हो जाएगी। तो भाई मैं इसमें अंदर बैठा हूँ। एंड भाई साहब ये ना भाई सब कुछ अटैक करता है, मतलब फायर ऊपर वाला। एंड ये अपना टैंक भाई, आपको पता ही है ये नॉर्मल वाला टैंक से भाई। ओके यार गाइस, ये भी भाई इन्होंने बताया भाई $5,00,000 का देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं करता, ये सिर्फ ग्राउंड स्ट्राइक ही करता है। एंड भाई ये देख रहे हो भाई, ये टोटल हमको दे रहे हैं भाई ये $1,000 पे भाई, ये भी बढ़िया है। एंड ये भाई कितने डॉलर में भाई, ये बोल रहे कि ये $2,000 का भाई। इस पे ये वाले कार में क्या फ़र्क है भाई, टट्टी कार है तो कुछ है भी नहीं। तो यार गाइस मैं अभी गाइस कुछ गाड़ी चूज़ करता हूँ एंड इनको बोलता हूँ कि हमें ना ये वाली गाड़ी प्रोवाइड करो। एंड हम लोग अभी इनसे कुछ बातचीत करते हैं, थोड़ा भाव भी कर लेते हैं। एंड भाई थोड़ा सा यार उनको बोलते कि यार भाई थोड़ा कम पैसों में दे यार, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं। एंड थोड़ा सा भाई पैसे की से बचाते हैं भाई, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं यार, अपने के लिए नहीं ले रहे। अभी तो अपने पास कुछ सुपर कार नहीं है, तो आप लोग बताओ यार मैं कौन सी सुपर कार लूँ यार, क्योंकि मेरे पास अभी वही टट्टी वाली गाड़ी, आपको पता है यार अभी मैंने खुद नहीं कार ली है, तो अभी फटाक से ख़रीदना पड़ेंगे यार बढ़िया वाले शोरूम से। यार ये शोरूम मेरे को इतना बढ़िया लगा है बट सुपर कार के लिए नहीं लगा है। यहाँ पे सारे ना भाई फाइट्स वाले कार ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमको लग्जरी कार मिलेगी। चलो कोई ना यार, हम लोग जाएंगे बढ़िया वाले शोरूम में, बट ये हम लोग वार वाले शोरूम में आए थे, मतलब ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं सब कुछ कर लेता हूँ डील गिर इनसे। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं इधर। ओके यार इतना लेट आ रहे हो भाई, तुम फटाफट से आओ यार, इतना लेट आओगे तो फिर डील नहीं होंगे भाई। ये दो बुढ़िया कौन खड़े हैं भाई, पता नहीं इनको कौन सी कार चाहिए अभी। एंड इनसे सारी बातचीत कर लेते हैं एंड डील कंप्लीट करते हैं, इनको फ़ोन पे कर लेंगे एंड ये लोग हमारे घर पे कार पहुंचा देंगे। तो ऑल राइट गाइस, डील हो चुकी है कंप्लीट एंड भाई इन्होंने हमको सौदा हो चुका है। एंड मैंने टोटल भाई ना भाई बढ़िया बढ़िया कार्स भाई सब में से बढ़िया बढ़िया कार चूज़ किए, तो आपको डायरेक्ट मैं भाई बताऊँगा। एंड यहाँ पर गले मिल रहे टालू कालू भाई, जो भी है टालू कालू, मतलब टकला भी हो गया एंड कालू भी हो गया टालू बोल दो फिर उसको। एंड भाई चलो डील हो चुकी है। एंड भाई ये लोग बोल रहे हैं ना भाई कल तक आपके घर में गार्स आ जाएंगे, मतलब कल या आज रात तक आ सकते, चलो देखते यार भाई। एंड भाई इनको लग रहा है ना भाई मैं कोई गुंडा गिंडा हूँ भाई, चलो इनको पता ही नहीं माइकल कौन है भाई, चलो लगना भी चाहिए गुंडा इनको यार। चलो फटाफट से ना भाई हम लोग निकलते हैं हमारे घर की ओर और देखते हैं भाई हमारे कार्स आएंगे कि नहीं। तो चलो यार अभी ना भाई, अभी लेस्टर में कोई मेरे को प्लान बनाया था, अभी लेस्टर भी कुछ मेरे को बोल रहा था कि यार कुछ खतरा है भाई, आप लोग ना सिक्योरिटी लगा के रखो एंड बहुत ज़्यादा है, मतलब वातावरण टाइट है बोल रहा है पूरे शहर, क्योंकि ज़्यादा ही माफिया लोग हो चुके हैं। एंड भाई और क्या ही बताए, आपको पता ही है सबसे ख़तरनाक वाला माफिया कौन है भाई, द डगन बॉस। तो यार डगन बॉस का नाम बहुत चल रहा है शहर। एंड भाई आपको पता है यार गाइस मेरा और भाई डगन का भाई ख़तरनाक आगे, क्योंकि यार हमने ना भाई कितने बार उसके काम में भाई वो किया है। एंड भाई उसने भी मेरे काम में बहुत ज़्यादा ही किया। एक सेकंड ये क्या है अभी, तो मेरे भाई ये बैंक से ना भाई पैसे निकाल रहा, मतलब ये अच्छा ये पैसे लेके जा रहा है। ओके भाई मैं एक बार छुप जाता हूँ भाई यहाँ पर, ये ना मेरे पर फायर कर सर। ओ भाई भाई ये बोल रहे गाड़ी से दूर हो जाओ। अरे भाई मैं जा रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ये बोल रहा नज़दीक मत आओ यार। अरे भाई मैं नज़दीक क्यों हो भाई तेरे,
अरे भाई ओपन फायर मत कर भाई, बोल रहे ओपन फायर कर देंगे, जल्दी से बैकअप कर लो, मतलब पीछे चले जाओ। मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ भाई, मेरी कार खड़ी उधर, मैं तो ऐसे चेक करने आया था। लीव द एरिया भाई, मैं तो पेट्रोल भरने आया था भाई, मुझे क्या पता यहाँ पे कोई डील हो रही है, तुम पैसा ले जा रहे हो। अभी यहाँ पे ना कहीं मेरा कोई नज़र ही नहीं आ रहा पेट्रोल पंप पे, तो एक काम करता हूँ ना, लूट ही लेता हूँ भाई, कोई भी नहीं दिख रहा, देख रहे हो। अच्छा मौका है गाइस, ये ले भाई, भाई इसको पता ही नहीं चला, इनको लगा मैं चल गया। अरे भाई ये देखो भाई, भाई क्या है भाई, ये मरने की भाई गोली लगा है भाई, ख़त्म है भाई लोग, भाई कोई भी नहीं है भाई, पूरा पेट्रोल पंप खाली है। एंड भाई एक देख रहे, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है, चल रही तो भाई इतने दूर से। चलो यार अच्छा मौका है भाई, लूट लेता हूँ। और भाई यहाँ पर ना भाई सब कुछ बढ़िया है, एंड भाई सब कुछ बढ़िया है। एंड भाई मैं बॉम्ब लगा दिया हूँ, एंड इस पर चलो यार, पैसा निकल चुका है क्योंकि ये लोग ना भाई कोड लगाते हैं बिल्कुल यार गाइस। एंड भाई चलो मैं बिल्कुल जाता हूँ, एंड भाई लेस्टर से चलो काम था हमको, एंड लेस्टर मुझे भाई बहुत इंपॉर्टेंट वाले काम बता रहा था, अभी पता नहीं यार क्या काम है, लेस्टर यार क्या बोलेगा मुझे खुद नहीं पता। तो चलो फटाफट से जाते हैं एंड भाई देखते हैं क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइस हमारे घर के आसपास में, एंड अभी देखते हैं ना भाई हमारे गाइस जो मैंने गाड़ी चूज़ की है ना भाई वो आते हैं कि नहीं भाई। ओके भाई यहाँ पर ना मैं चला जाता हूँ, एंड चलो भाई हमारी सिक्योरिटी भाई फुल तैनात में है भाई, एंड भाई कोई आ भी नहीं सकता है, एंड भाई डगन वॉज भी खुद नहीं आ सकता भाई, पता नहीं डगन वॉज आ सकता है पता नहीं भाई, उसके बाद बहुत फैसा है भाई, वो खतरनाक बंदा भी पता नहीं यार, बट दूसरे जो लोग हैं ना भाई वो अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे लोग ना भाई मेरे घर पर अटैक कर ही रहे थे। एंड भाई क्या ही बोलेगा इस जोन भाई, इतने सारे बंदे आते रहते ना भाई अटैक करने के लिए, एंड भाई सबको बताया कि यार भाई माइकल कौन है, तो अभी यार मैं वेट करता हूँ। एंड भाई कुछ वो बोल रहे थे ना, मेरे को मैसेज भी आया था जिससे मैंने कार डील की थी, एंड भाई वो बोल रहे थे आते होंगे, ठीक है भाई देखता हूँ यार, मैं वेट कर लेता हूँ उनका थोड़ा सा। एंड भाई यहाँ पर ना भाई वो आने वाला है भाई, देख रहे हो भाई खतरनाक वाली सिक्योरिटी लगी है। एंड क्या लगता है भाई हम लोग सिक्योरिटी चेंज करें आगे जाके, इनको भाई कुछ गिफ्ट दिया जाए कि नहीं बताओ यार, क्योंकि हम लोग गिफ्ट देंगे ना यार ये थोड़ा सा भाई हमारे आसपास पास तो ज़्यादा सिक्योरिटी करेंगे यार, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इनको मक्खन देंगे। तो यार देखते यार आते हैं कि नहीं यार, गाइस बहुत टाइम हो गया गाइस, अभी तक इतना वेट कर रहा हूँ ना, अभी तक तो भाई कोई दिख नहीं रहा यार, लगता है ना भाई कहीं बैठ चुके हैं यार खाने के लिए भाई, मेरे गाड़ी पता नहीं कब तक आएंगी, पता नहीं गाड़ी किस में लाने वाले भाई, ये लग रहा है यही गाड़ी लग रही। ओके भाई ये मैंने गाड़ी सेलेक्ट तो की थी भाई, इसमें ना भाई आराम से 4-8 लोग आ जाएंगे, एक गाड़ी में आ जाएंगे सारे के सारे। चलो यार भाई ये गाड़ी तो एक आ चुकी है भाई, ओए भाई दूसरी गाड़ी कहाँ गई भाई, एक ही गाड़ी लाया क्या, अरे भाई जा कहाँ रहा है, वापस तो नहीं जा रहा है भाई, ये मेरा ही गाड़ी वाला है ना, चलो ये तो हमारा ही बंदा है, बंदा तो मेरा नहीं है मतलब कार हमारी है। चलो ऑल राइट भाई आ चुकी है भाई, कितनी बड़ी गाड़ी है भाई, अरे भाई ठोक मत दे भाई, नई गाड़ी है भाई, पैसे दिए पूरे। ऑल राइट भाई सबको, सब लोग आ गए इसके पीछे पीछे भाई, ये गाड़ी मैंने खरीदी क्योंकि यार अच्छी लग रही थी, एंड भाई ओल्ड टाइप की है भाई, पानी में चलती है तो भाई चलो इसको भी चलाएंगे पानी में। एंड अभी और भी आने वाले थे यार, पता नहीं कहाँ गए भाई, इनको मैं पूछ रहा हूँ बोल रहे रास्ते में ये भाई, ठीक है भाई चलो भाई ये भी आ गई, ओ भाई ये भी आ गई भाई, ये भी मैंने खरीद ली भाई क्योंकि ना भाई बढ़िया लग रही है, मतलब समझ रहे हो भाई थोड़ा ओल्ड फैशन है बट भाई कूल लगता है। एंड ये गाड़ी मैंने खुद के लिए खरीदी है, मतलब ये जो दिख रही है ना, एंड ये वाली गाड़ी बढ़िया है गाइस, इसमें ना भाई आराम से भाई 4-5 लोग पीछे बैठ जाएंगे भाई, देख रहे हो भाई दरवाज़ा भी भाई लगा रहा है भाई, देख रहे हो सब कुछ बढ़िया है भाई इसमें ना भाई, बढ़िया बढ़िया स्लोप्स से चढ़ जाएंगी। एंड चलो भाई इनको मैं सबको बोल देता हूँ, एंड भाई तुम्हारा काम हो चुका है भाई, फटाफट से निकलो, एंड भाई मैं मेरे को गाड़ी पार्क कर रही है, तो फिर फटाफट से इन लोग को बोल देते हैं, एंड भाई देखते ना भाई क्या सीन है भाई, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है, चलो यार फटाफट से इनको पार्क कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना भाई, चलो यार ये लोग चले चुके हैं, एंड भाई पता नहीं भाई चाय पानी मांग रहे थे भाई, बोल रहे थे भाई चाय पानी देते थे भाई, इतने मुश्किल से हम लोग आए, एंड भाई यहाँ पे कोई टैक्सी वाला भी नहीं है,
पता नहीं भाई बेचारों को पैदल जाना पड़ा एंड भाई यहाँ पर चलो कोई बात नहीं भाई उनका काम है तो भाई अब क्या चलो भाई बहुत सही एंड यहाँ पर भाई ये बोल रहा है कि अच्छा जिमी बोल रहा है कि मुझे भी एक कार दे दो यार बोल रहा है कब तक साइकिल चलाओ यार भाई बड़ा हो जा भाई यार अभी तो चलो कोई ना यार जिमी जाए बाहर भाई बच के जाना वरना किडनैप ना हो जाए भाई वरना भाई पता ही है भाई उसको कितना ज़्यादा अरे भाई गाड़ी ठोक दी यार स्टार्टिंग में चलो कोई बात नहीं इसको ना भाई मैं इधर लगा लेता हूँ भाई सारी ना भाई मैं रखूँगा गाड़ी क्योंकि ना भाई ये लोग ना भाई कहीं भी जमा देंगे ये भी लोग ना भाई बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड है भाई तुम्हारे नौकर नहीं है तो यार लग रहा है हमको ड्राइवर भी चाहिए यार अभी मेरे को फटाफट से यार लेस्टर के पास जाना था यार बट अभी ये गाड़ी वालों ने इतना टाइम लगा दिया यार गाइस क्या ही बोलूँ अभी लेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट काम था भाई वो पता नहीं वही आ रहा है मेरे को मिलने के लिए यार पता नहीं यार गाइस लेस्टर यार गाइस मेरे को बोला है कि यार जल्दी से आ जाओ बट चलो कोई नहीं यार अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी पार्क करके ना आ ही जाता हूँ वरना वो ना आ जाए क्योंकि ना भाई उसके पीछे भाई खतरनाक वाली फाइट चल रही पता नहीं यार लेस्टर का अलग ही गाइस चल रहा है क्योंकि यार खतरनाक वाली हैकिंग की उसने भी चलो यार फटाफट से ना मैं सारे के सारे भाई पार्क कर दूँ एंड भाई लेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है पता नहीं वो लोग क्या बोलने वाला था मेरे को आई थिंक वही आने वाला है गाइस चलो कोई ना पता नहीं आ भी गए तो ठीक है तो भाई फटाफट से मैं सारी गाड़ी ना पार्क कर लेता हूँ एंड गाइस फिर ही आप लोग को मिलते हैं गाइस गाड़ी पार्क करने के बाद भाई चलो ये वाली गाड़ी भी लगा लूँ एक सेकेंड इसको भी हम लोग लगा लेते हैं ओके बढ़िया है भाई इसको हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि भाई सारी गाड़ी अंदर रख नहीं सकते भाई बढ़िया लगेंगे मेरी एंड बाहर रखेंगे ना थोड़ा सा बढ़िया लगेगा समझ रहे चलो इसी को लगा लेते हैं एंड भाई बहुत सही ऑल राइट गाइस मैंने सारी गाड़ी ना भाई पार्क कर दी है एंड भाई कैसी लग रही है आप लोग बताओ चैट में और अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करो एंड फटाफट से भाई जल्दी से घंटे कॉल पे कर दो भाई सब्सक्राइब करो डेली 12 बजे वीडियो आएगी भाई रोज़ हर एक नया एपिसोड आता रहेगा 12 बजे तो लाइक करना ना भूले यार सब्सक्राइब करो यार प्लीज़ और कमेंट करो यार कमेंट नहीं दिखते किसी के तो यार चलो यार गाइस हम लोग ना फटाफट से भाई हो चुका है सब कुछ भाई बढ़िया लग रहा है देख रहे हो सब कुछ ना भाई पार्क कर दिया मैंने बिल्कुल एक नंबर भाई एंड हमारे सिक्योरिटी वाले बढ़िया है अभी लेस्टर के पास देखते हैं अभी लेस्टर का इसने मेरे को कॉल आने वाला था ऑलराइट गाइस यहां पे लेस्टर का कॉल आ चुका है एंड भाई वो बोल रहा है कि मैं ही आ रहा हूं बट रास्ते में ना भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड जल्दी से तुम आ जाओ भाई ब्रिज पर भाई पता नहीं यार कुछ तो हो गया यार कुछ तो पंगा हो गया भाई लोग यार जल्दी से जाना पड़ेगा दोस्तों जल्दी से आ जाओ भाई सारे सिक्योरिटी भाई सारे के सारे सिक्योरिटी वाले जल्दी से आ जाओ भाई कुछ पंगा हो गया एंड लेस्टर के सामने कुछ लोग आ चुके हैं एंड वो उस पर ना भाई ओपन फायर कर रहे हैं भाई जल्दी से जाना पड़ेगा वरना वो कुछ हो ना जाए गलत सीरत यार जल्दी से बैठ भाई एंड भाई सारे सिक्योरिटी को भाई मैंने बोल दिया है चलो यार वो लोग ना भाई आ रहे हैं फटाफट से भाई चलो वो लोग भी बैठ चुके हैं कार में चलो यार यही काम के लिए तो मैंने कार खरीद ली गई समझ रहे भाई कितना काम आ रही देख रहे हो कार्स भाई मैंने इसलिए तो कार खरीदा क्योंकि जो भी पंगा होते हैं ना भाई फटाक से सारी सिक्योरिटी लेके जाना पड़ेगा भाई भी चलो हमारे सारे सिक्योरिटी आ रहे हैं पीछे से एंड भाई देख रहे हो पीछे से आ रहे हैं भाई यार किस लेस्टर का भाई पता नहीं क्या सीन है लेस्टर ना भाई ज़्यादा ही फंस चुका है पता नहीं यार लग रहा है इस डक्कन बॉस के लोग ना आ जाए उसके पास यार डक्कन बॉस का ना भाई गेम ख़त्म है भाई मेरे को लग रहा है कि जल्दी से जल्द इसका गेम ख़त्म करना पड़ेगा ऑल राइट गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ब्रिज पर और भाई सामने ना भाई साहब भाई ये सामने क्या है भाई एक बार आप लोग देखो यार लेस्टर कहाँ फंस गया यार तू भाई इतने सारे सोल्जर्स पता नहीं जो भी है भाई भाई ये कौन सी गैंग के बंदे भाई मेरे को नहीं पता भाई ये कोई स्पेशल कमांडो लग रहा है अरे भाई ये सामने जा रहा है चलो स्पेशल सूट है ना इसके पास इसलिए जा रहा है बट मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं शादी वाली रेस्ट में नहीं ओ भाई साहब यहाँ पर गाइस ओके भाई चलो यार गाइस कमॉन भाई सबको मार देंगे हमारे स्पेशल सूट वाले प्लेयर है भाई 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 देख रहे हो ख़त्म है भाई बहुत सही ऑल राइट भाई लोग यहाँ पर ना भाई सारे के सारे मेरे सिक्योरिटी वाले बंदे मार रहे हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सी भाई स्पेशल वाली गन निकाल ली भाई पैसे दिए तो भाई यूज़ तो करना पड़ेगा ना भाई भाई यहाँ पर लेस्टर कहाँ पर है यार लेस्टर आई थिंक सामने है भाई भाई मैंने आई थिंक थर्ड पार्टी कर दी इनकी चलो ऑल राइट बहुत सही काम किया वरना मैं सामने से ज़्यादा ना भाई प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि ना पूरी पूरे के पूरे कार्स ब्लॉक थे भाई ऑल राइट भाई यहाँ पर बहुत सही भाई यहाँ पर मेरे सिक्योरिटी वाला एक भी बंदा नहीं मरा ये मेरे को भाई बढ़िया लगा है क्योंकि ना हम लोग ने इनको पीछे से मारा है भाई इनके साथ धोखा हो गया यार भाई सब के सब जल चुके हैं भाई यार गाइस एक कोई जिंदा है चलो इनको मार देता हूँ भाई यहाँ पर हमने इनका थर्ड पार्टी कर दिया मतलब ये सामने देख रहे हो लेस्टर के बंदे
भाई लेस्टर जिंदा है भाई। चलो यार गाइस बहुत अच्छी बात है, चलो लेस्टर से बात कर लेते हैं। एंड भाई बोलते हैं कि यार ये क्या है भाई, भाई यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब लेस्टर के इतने सारे लोग मर चुके हैं, बट लेस्टर नहीं मर चुका है। लेस्टर ने मेजर को बोल रहा है कि यार आप बहुत सही टाइम पे आओ, मतलब बहुत सही टाइम पे आयो, फाइट शुरू होने के 2 मिनट पहले आए हो, एंड भाई वरना नहीं आते तो भाई मर जाते भाई। भाई आज लेस्टर की जान पक्का भाई जाने वाली थी, बट वो बच गया क्योंकि हमने उसे बचा लिया, एंड मेरी स्पेशल सिक्योरिटी ने उसे बचा लिया, वरना आज हम लोग ना भाई कार नहीं खरीदती तो मुझे नहीं लगता भाई लेस्टर आज बच पाता। तो यार बहुत सही वाला काम चुका है, लेस्टर मर चुका है। ओ भाई एक सेकंड, भाई और भी लोग है क्या भाई? ओ भाई यहाँ पर आरपीजी वाले बंदे, यार ये कौन सी गैंग है भाई? ये पक्का ना भाई लेस्टर के, सॉरी लेस्टर का कोई भाई खतरनाक वाला दुश्मन है भाई, पता नहीं यार लेस्टर का ही कोई दुश्मन है भाई। ये कोई नए नए कपड़े पहन के, तो यार इनका ना गाइस पूरे के पूरे मास्क पहने हुए। और राइड यहाँ पर ना भाई हमारे और लेस्टर के वाले सिक्योरिटी भाई चेक कर रहे हैं, और कोई है तो नहीं ना भाई साहब? यहाँ पर तो भाई आई थिंक सब ख़त्म है भाई, पता नहीं आई थिंक ये लोग कहाँ से आए थे भाई। भाई देख रहे हैं इनके पास भाई AK-47 है भाई साहब, बढ़िया 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 वाले गन्स हैं। और के ओके ओके भाई बहुत सही, नीचे तो कोई नहीं ना भाई, नीचे सब कुछ क्लियर है। ओके आई थिंक वो वाली साइड देखनी पड़ेगी मेरे को गाइस, और उधर वाली साइड भी देखनी पड़ेगी आई थिंक, और तो कोई नहीं वरना ना भाई मर सकते थे। इनके पास ना भाई आरपीजी वाले गन से समझ रहे हो भाई पूरी गाड़ी उड़ जाएंगी। एक सेकंड भाई ये क्या है भाई, नीचे और भी लोग हैं। ओ भाई भाई यार लॉन्चर लॉन्च कर दिया भाई यहाँ पर, भाई साहब यहाँ पर आरपीजी लॉन्च कर रहे हैं। एक सेकंड मैं कवर ले लूँ यार, इनको पता ही नहीं यार मैं पोल के पास हुआ है। ओ भाई ये ले, एक सेकंड इन्हें ख़त्म कर दिया यार, इनका ना भाई निशाना इतना सही नहीं लग रहा है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट भाई, और भाई यहाँ पर नीचे गिरा दिया मेरे को भाई, सही टाइम पे जंप की वरना भाई पक्का मरता भाई। भाई यहाँ पर मेरे सिक्योरिटी भाई पीछे से ना भाई बढ़िया वाला कवर दे रही। ओ ओके ऑल राइट भाई, भाई ख़त्म है भाई बिल्कुल ही गाइस ख़त्म है भाई। भाई भाई यहाँ पर तो पूरा वार जोन ही बन चुका है भाई, बिल्कुल ही ना भाई वार जोन ही बन चुका है। एंड भाई यहाँ पर ऑल राइट, ओ भाई इनको मैं गोली मार रहा हूँ बट ये ना ऊपर जा रहा है। ऑल राइट भाई यहाँ पर स्पेशल सूट मेरा काम आ रहा है। ओके इनको ना मैं हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। ऑल राइट बहुत सही भाई, इनके सारे आरपीजी से बच गया भाई बिल्कुल ही, एक आरपीजी ना भाई। ऑल राइट भाई यहाँ पर मेरा मैनेजर ने भाई भी लॉन्चर वाली गन लाई है, मतलब कौन सी रेडियन वाली गन है भाई, बहुत महंगी गन है उसी के पास है। ओ भाई एक सोल्जर आई थिंक घायल हो चुका है, एक मेरा सिक्योरिटी गार्ड। ऑल राइट भाई भाई और भाई बच गया मैनेजर बच चुका है। ऑल राइट भाई यहाँ पे हमारे सारे सिक्योरिटी मर चुकी तो नहीं है, मतलब उनकी वाली सिक्योरिटी मर चुकी है। ओ भाई कितने बंदे हैं यार, ये क्या चल रहा है भाई, किसकी गैंग है इतनी खतरनाक भाई, बट ये लोग मर चुके हैं भाई। चलो यार ये तो बहुत खतरनाक है भाई, इतने लोग भाई, मेरे को लग रहा है पक्का भाई डग्गर वाला ही बनता है भाई, क्योंकि इतने पैसे तो डग्गर के पास हो सकते हैं, क्योंकि इतने लोग हायर करना मतलब भाई बहुत बड़ी बात होती है, वो भी लॉस संतोष में, प्लस भाई इनके पास स्पेशल सूट भी था। तो यार अभी मैं थोड़ी सी बातचीत कर लूँ एंड भाई इनसे, एंड भाई चलो फटाफट से ना भाई चलते हैं भाई, और कोई नहीं भाई, चलो सब कुछ ख़त्म है भाई, भाई साहब सब कुछ बढ़िया है। एंड ओके यार चलो चलो, अब लग रहा है कि भाई हमको इधर से निकलना चाहिए, और मेरा मैनेजर और भाई यहाँ पर लेस्टर से थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ मैं। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे लेस्टर बोल रहा है कि भाई ये ना भाई पक्का डग्गर के बंदा है, एंड डग्गर का बदला ले रहे हैं क्योंकि हमने डग्गर के ना भाई कार चुराई थी, एंड भाई उसका स्पेशल सोना गिना सब कुछ चुराया था। तो यार वो बोल रहे हैं कि उसी का बदला ले रहा है, पता नहीं यार उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, भाई लेस्टर को मारने की प्लानिंग चल रही है भाई, पता नहीं भाई। ओके यार गाइस भाई उसका पंगा तो मेरे से था यार, बट वो डग्गर से क्यों ले रहा है मेरे को समझ नहीं आया। तो ऑलराइट गाइस हम लोग ना पूल के ऊपर आ चुके हैं, एंड भाई कुछ और हो जाए उससे पहले भाई मुझे निकलना है भाई, क्योंकि ना अब इतनी पावर नहीं है हमें भाई, हम लोग फाइट कर सके भाई, फटाक से सेफ जोन में जाना पड़ेगा, मतलब अभी सेफ जगह जाना पड़ेगा, वरना अब फाइट करने के मूड में तो भाई नहीं है भाई, क्योंकि इतनी फाइट हो गई ना सुबह में भाई, ये दिन भाई स्टार्टिंग में फ़ाइट हो गई, एंड भाई यहाँ पर तो भाई ख़तरनाक वाला, तो आज बहुत ज़्यादा ही काम हो गया गाइस।
एक तो हमने कार भी खरीदी एंड भाई सुबह सुबह थोड़ा सा फाइट हो गया एंड यहाँ पे तो भाई कम से कम ये बहुत लंबी वाली फाइट चली बिल्कुल ही भाई। एंड भाई मैं जा रहा हूँ एंड भाई फटाफट से ना भाई एक सेकंड लेस्टर बोल रहा है कि ना इस पर हम लोग अटैक कर लेते हैं, यहाँ पर रास्ते में कोई भी नहीं है यार। ये लेस्टर क्या कर रहा है यार, बिल्कुल मतलब भाई मरना है क्या यार? अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना भाई तो मतलब गए। तो भाई आई होप कि यार रास्ते में कोई आ ना जाए। चलो यार ये भी फायर कर रहा है बहुत सही। और भाई यहाँ पर यार लेस्टर यार खतरनाक है यार, भाई सबको मार रहा है गन के अंदर। चलो बहुत सही यार, कोई आना जाए रास्ते में यार, एक सेकंड गाइस कोई आना जाए भाई, कोई भी नहीं है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट गाइस। चलो अभी इनको यहाँ पे थोड़ा सा बॉम्ब लगा के ना भाई थोड़ा पैसे कैसे लूट लेते हैं। यार लेस्टर का दिमाग यार देख रहे हो, ये लेस्टर बोल रहा है कि यहाँ पे ना बैंक भी नहीं है एंड यहाँ पे कोई पुलिस वाले आते भी नहीं है, तो यार यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर कोई लोग भी नहीं है। तो चलो फटाफट से निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यार पैसे कैसे सबने लूट लिए भाई आप, और फटाफट से इधर से निकलते हैं गाइस एंड भाई जाते हैं हमारे मेन हाउस पर। अभी तक आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो यार गाइस लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, एंड कमेंट करके बताना आगे हम लोग क्या करें एंड भाई क्या क्या हमको लाना चाहिए ऐड करना चाहिए। तो लाइक सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय।